आज मेरा बेटा गया हुआ था मैनचेस्टर वहाँ पर एक चैरिटी फंड रेजिंग इवेंट था इस्लामिक इवेंट तो इसने एज ए वॉल्टियर नाम दिया हुआ था तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था तो ये वहाँ से अभी वापस आया है और ये चीज़ें लेकर आया है तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये तीन फ्रेंड थे ये तीनों गए हुए थे और ये मेरे लिए लाया लेम बिरयानी खीर वाटर, ये भी वाटर है और बहुत लंबा डे था हाफ पास टेन बच्चे घर से गए थे एक ही मेरा बेटा था और दो इसके साथ इसके फ्रेंड थे ये तीनों गए थे हाफ पास टेन गए थे और रात को दो बजे वापस आए जाते हुए बस में चले गए थे वापसी भी फिर पिक करके लाए तो और ये टिशू भी लेकर आया है ये वाले टिशू यूज हुए, 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 हुए होंगे ना वहाँ पर ये मेरे लिए ये भी लाया है एक और ब्लू भी है और बहुत बड़ा इवेंट था मुझे बता रहा था कि ये एक टीवी चैनल है उनकी तरफ से था दस हजार लोग थे और हाफ पास फोर गेट ओपन हुए थे और तरावी पढ़ने के बाद लोग गए थे दस लोगों को सर्व करना था ये किंडर चॉकलेट आई है और ये डेट मैं समझी वो है चॉकलेट ये डेट्स ने दो स्पून भी लाया है मेरे लिए और ये पेन्स हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि हमें वॉल्टियर चाहिए तो इसने अपना नाम दिया था जब हमें टाइम पता लगा था हमने इसको मना किया था मत जाओ बहुत लंबा टाइम है दस बजे घर से यानी दस सवा दस ये लोग चले गए थे और रात को दो बजे वापस आए तो इसको ये था कि नहीं मैंने जाना है तो ये सब चीज़ें लेकर आया मुझे बहुत अच्छी लग रही थी खुशी हुई थी देख के तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसको ऐसे काम करने का बहुत शौक है ये एज़ ए वॉलेंटियर अपने नाम दे देता है डिफरेंट जगहों पे और फिर हम इसको मना करते हैं कि आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा लेकिन कुछ जगहों पे फिर भी ये जाता है तो इसको ये था कि यहाँ पर जाना है ये बिग इवेंट है ये टीवी की तरफ से था चैनल है उनकी तरफ से था ये तो ये जहाँ भी जाए ना तो इस तरह की चीज़ें मेरे लिए ज़रूर लेकर आता है इसको होता है कि मैंने लेकर जानी है आपके लिए लेकर आया हूँ तो इस तरह ना जमा करते करते मेरे पास बहुत सारे पेन हैं ये जहाँ जाता है कॉलेज की तरफ से जाते हैं बच्चे स्कूल की तरफ से जाते हैं तो जहाँ जाता है ना ये पेन मेरे पास बहुत सारे जमा हो चुके हैं अब तक तो ये मेरे लिए चीज़ें जो भी वहाँ पर होती हैं लेकर आता है लाजमी तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा तो इसलिए फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है असलाकुम कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे मैं निहारी बनाने लगी हूँ और ये रेसिपी मैंने आपके साथ पहले व्लॉग्स में शेयर नहीं की है मैंने ये दावत में बनाई थी जिन लोगों ने दावत के व्लॉग्स देखे हैं उनको पता होगा और इस रेसिपी की उन व्लॉग्स में कहीं जगह नहीं बनी थी तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं सेपरेट शेयर कर दूँगी तो मैंने यहाँ पर एक किलो मीट लिया है और एक किलो मीट के हिसाब से मैंने ये स्पाइसिस लिए हैं और इन स्पाइसिस में, में मेरे पास है एक टेबल स्पून सूखा धनिया एक टेबल स्पून सौंफ एक टी ब्लैक पेपर एक टेबल स्पून ज़ीरा दो टुकड़े सिनेमन के दारचीनी दो टुकड़े बाद के फूल और सात से आठ सब्ज इलायचियाँ दो ब्लैक इलायचियाँ और आठ दस लौंग ये सब चीज़ें लेके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है और इनका मसाला बना लिया है ये निहारी का मसाला बन गया है और इससे निहारी बहुत अच्छी बनती है आप ट्राई करके देखिएगा और यहाँ पर मेरे पास है एक किलो मीट मैं बीफ में बना रही हूँ और मेरे पास बोनलेस मीट है ये और इसके बड़े बड़े टुकड़े हैं और इसमें नली वाली हड्डियाँ डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ मुझे नहीं मिलती हैं तो मेरे पास जो सिंपल सी मीट के अंदर हड्डियाँ होती हैं चार पाँच वही हैं तो अगर आपको मिले तो आप वो ज़रूर डालिएगा और एक कप ऑयल में मैंने इनको डाल के इस मीट को थोड़ी सी जो बोन्स हैं इनको डाल के मैंने फ्राई किया है जब इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने इसमें दो क्यूब्स डाले हैं जिंजर और गार्लिक के एक दो मिनट मैंने इसको अदरक लहसन के साथ फ्राई किया है और अब मैंने इसमें डाला है एक टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर आधी टी स्पून हल्दी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने दो टी डाली थी और एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें भी डालनी है मैंने डाली हैं लेकिन मेरा वो क्लिप शायद मिस हो गया है और अगर वो ना हो तो फिर आप पेपरिका भी डाल सकते हैं ये सब मसाले डालने के बाद इसको मैंने तीन चार मिनट अच्छा सा फ्राई किया है और उसके बाद जो मैंने निहारी मसाला ग्राइंड करके रखा था वो डाला है और आधी टी स्पून इसमें मैंने डाला है जिंजर का पाउडर और ये दो अनियन फ्राई हुए हुए हैं यानी ये जितने मैंने डाले हैं दो प्याज के बराबर हैं एक कप अनियन है और ये डाल दिया इसमें मेरे पास ऑलरेडी फ्राई पड़े हुए थे तो मैंने वही यूज़ किए हैं और ये डालने के बाद अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी मैंने इसको तीन चार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भुना है और जब ये अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैंने कैटल वाला पानी डाल दिया है और ये अपने अंदाज़े से डाला जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा आइडिया तो होता है कि जिस जगह से हम मीट लेकर आते हैं वो कितनी देर में गल जाता है तो मैंने भी उस हिसाब से इसमें दो कैटल्स भर के डाली थी पानी की और फिर मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए और ब्राउन प्याज़ अगर ना हो तो जब स्टार्ट किया था हमने इसको पकाना तो उस टाइम डाले जा सकते हैं प्याज प्याज ब्राउन करके फिर इसको साथ उसके फ्राई करके और फिर जिंजर गार्लिक डालना है और ये रेसिपी बहुत अच्छी है घर में पड़े हुए मसालों से बन जाती है मैं नारी बना रही थी और अरूझ अपने काम कर रही है इसने कैंडल जला के रखी है इसमें और उसके बाद इसमें ऑयल डाला है और फिर पानी डाल के इसको सेट करके इसने रेडी करके मुझे दिया है क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं खुद करती हूँ ये काम तो काफ़ी दिनों से मैं कर नहीं रही थी तो उसको आज याद आया तो उसने कहा कि मैं आपको करके देती हूँ ये और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी निहारी को और ये बहुत अच्छी बनती है सिंपल से मसाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है यहाँ मैंने लिया है आधा कप मैदा और मैदे की जगह आटा भी लिया जा सकता है लेकिन मैं मैदा लेती हूँ और क्योंकि एक किलो निहारी बना रही हूँ मैं एक किलो मीट की तो आधा कप उसमें बहुत रहता है लेकिन ये भी अपने अंदाजे से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा डाला जा सकता है तो इसको मैंने अच्छा सा काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के मिक्स कर लिया है निहारी को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है और इसका मीट बहुत अच्छा गल गया है इतना अच्छा गला है कि हाथ लगाने से भी टूट रहा है और इसको पकते हुए स्लो फ्लेम पे दो ढाई घंटे हो चुके हैं और मैंने इस दौरान इसमें एक बार और केटल भर के पानी की डाली थी और ये रेडी हो गई है यानी आटा डालने से पहले का जो स्टेप है वो रेडी हो गया है और मैंने अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रेस्ट करने चली गई थी और इसको आधा घंटा हो गया इस तरह पड़े हुए तो जब मैं आधे घंटे के बाद वापस आई हूँ तो इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और अब मैं इसका सारा ऑयल निकाल लूंगी और निकालने के बाद इसमें मैंने आटा डालना है क्योंकि अगर इसी तरह इसमें आटा डाल दें तो आटा जो होता है वो सारा ऑयल पी जाता है और फिर ऊपर तरी नहीं आती है और निहारी तरी के बगैर निहारी नहीं होती है तो यहाँ पर मैंने जो आटा मिक्स करके रखा था मैदा पानी के साथ तो वो वैसे भी डाला जा सकता है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ मैं इस तरह उसको अच्छे से मिक्स करने के बावजूद स्ट्रेनर से छान के डालती हूँ ताकि बिल्कुल डर ही नहीं होता है कि उसमें गुटलियाँ बनेंगी या वो ख़राब हो जाएगी नहीं आ रही ऐसा नहीं होता है फिर तो बस यहाँ पर मैं सारा ये छान के डाल लूंगी और काफ़ी देर इसको भी हो गई थी पड़े हुए तो ये सारा नीचे बैठ गया था तो फिर मैंने इसको अच्छा सा फिर से मिक्स कर लिया है मैदा डालने के बाद इसको मैं फिर से पकने के लिए रख दूंगी और अभी ये इतनी पतली है जब ये बहुत ज़्यादा पतली होती है मैं उस टाइम मैदा डाल के रखती हूँ ताकि मैदा डालने के बाद भी तकरीबन ये आधा पौना घंटा पकी है तो इस तरह इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है फिर तो बस ये पक रही है और इसको पकने देंगे क्योंकि निहारी का काम ही पकना है निहारी और पाए बहुत टाइम लगाते हैं पकने में मैं निहारी मसाला इकट्ठा बना के रखती हूँ लेकिन मेरा आज खत्म हुआ हुआ था तो फिर मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ा है तो इसलिए फिर मैंने आपके साथ शेयर भी किया है अभी मैं ईद के बाद इंशाल्लाह इकट्ठा बना के रखूँगी तो फिर मैं शेयर करूँगी और मैं दो तरह से निहारी बनाती हूँ एक ये वाला तरीका है और एक और तरीका है यानी मसाले का तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये वाला है क्योंकि ये सिंपल सा मसाला बनता है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं और ये सारे मसाले तो घर में पड़े हुए होते हैं तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मैंने ये दावत के लिए बनाई है और सबको बहुत अच्छी लगी है और मैं इसी तरीके से ज़्यादातर बनाती हूँ नहारी पक गई है मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और मैंने अपने हिसाब से रखी है और अगर आप बनाएं तो जितनी आपके घर में थिक या थिन पसंद की जाती है आप उस हिसाब से रख लें और चूल्हा बंद करने के दो या तीन मिनट के बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है सारा अब ये ऑयल कहीं नहीं जाएगा अब ये आखिर तक रहेगा साथ निहारी के जब तक निहारी गए तब तक ये तरी भी रहेगी तो बस निहारी रेडी हो गई है अब मैं बना लूंगी सैरी और आज मैंने बिल्कुल ड्राई ड्राई पराठे बनाए ऑयली नहीं बनाए ज़्यादा क्योंकि निहारी के साथ खाने थे तो ये इस तरह जो ड्राई वाले पराठे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बस अब निहारी के साथ कर लेंगे सैरी और ये बहुत मज़े की बनती है आप ज़रूर बना के देखिएगा और जब मैंने इसमें मसाले डाले थे अगर आपका दिल करे और आपके पास हो अगर निहारी मसाला पैकेट वाला तो एक टेबल स्पून डाला जा सकता है उस टाइम भी मैं नहीं डालती हूँ बहुत कम ऐसा होता है कि मैं डालूँ अगर मेरे पास पड़ा हो तो मैं डाल देती हूँ क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ निहारी मसाला तो मैं बहुत कम लेकर आती हूँ निहारी मसाला पैकेट वाला आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी सिंपल सी रेसिपी है थोड़े से मसालों के साथ निहारी बन जाती है और वो भी बहुत अच्छी और अब अफ्तारी का टाइम हो गया है और ये कुछ चीज़ें बच गई थी कल तो मैंने रख दी थी फ्रिज में जिस तरह ये एक आलू भी बचा था तो हमें ऐसा लगा था कि अगर हमने इसको भी डाला पकौड़ों में तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे पकौड़े और फिर वेस्ट हो जाते हैं तो बस मैं इस आलू को काट लूँगी और ये बेसन भी कल का ही पड़ा हुआ है तो मैं इसी में डिप करके इसको फ्राई कर लूँगी और वीडियो के स्टार्ट में मैंने शेयर किया है कि मेरा बेटा एज़ ए वॉलेंटियर गया हुआ था तो वो लेकर आया था ये बिरयानी और खीर दो बजे उनका काम ख़त्म हुआ था और घर आते आते ढाई पौने तीन हो गए थे तो उस टाइम शैरी का टाइम था तो इस वजह से फिर मैंने ये रख दी थी कि मैं अफ्तारी में ट्राई करूँगी क्योंकि शैरी में मैं बिरयानी बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ लेकिन मैंने सुना है कि बहुत से लोग शैरी में या नाश्ते में चावल खा लेते हैं लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ तो इसको भी मैं अभी गर्म कर लूँगी और इसके अलावा चटनी भी कल मैंने बनाई थी वो भी रखी हुई थी और फ्रूट चाट भी था थोड़ा सा पड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि फ्रिज से ये सारी चीज़ें निकालते हैं और आज अफतारी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ तो इससे अफ्तारी हो जाएगी और चटनी का बोल मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि चटनी इस तरह अगर एक दिन पहले पड़ी हुई होती है तो मैं दूसरे दिन उसका बोल चेंज कर लेती हूँ वो आगे पीछे इतनी ज़्यादा लग जाती है बोल के कि जितना भी उसको साफ़ कर लें वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है तो वो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है बस चटनी का बोल चेंज कर लिया मैंने और ये फ्रूट चाट ना बहुत ज़्यादा थिक हो गया था क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा थिक वाली क्रीम डाली थी जो मैं डेट्स के लिए लेकर आई थी मैंने बताया था इसमें मैंने मिल्क डाला है थोड़ा सा और इसको मिक्स किया है तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है आज की रफ्तारी इसी तरह बनी है और ये थोड़े से फ्रूट्स कटे हुए पड़े थे तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला मेलन और काट लेती हूँ लाई तो मैं दूसरा मेलन भी थी लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत है जो कटा हुआ है अगर मैंने और काट लिया तो फिर वो ख़त्म नहीं होगा तो फिर मैंने और नहीं काटा था तो बस ये थोड़ा सा ये वाला काटा है क्योंकि ये दो मेलन ही मेरे घर में खाए जाते हैं इसके अलावा कोई तीसरा फ्रूट नहीं खाया जाता है तो बस मैं इसकी ट्रे चेंज कर लूंगी हालांकि ये इस तरह के ये मेलन अगर काट के रखे हुए हों क्योंकि कुछ फ्रूट ठीक रह जाते हैं लेकिन ये जिस तरह मेलन है ये थोड़ा सा ना पानी छोड़ देते हैं लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती हूँ अगर कभी इस तरह बच जाए तो मैं क्लिंग फिल्म लगा के रख देती हूँ और नेक्स्ट डे खा लिया जाता है बस मैं उसकी ट्रे चेंज कर देती हूँ क्योंकि जिस बर्तन में पड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है तो बर्तन अगर चेंज कर दें उसकी प्लेट चेंज कर दें तो वो फिर ठीक हो जाता है तो बस थोड़ा सा मैंने ये येलो वाला मेलन और काट लिया है और थोड़ी सी डेट्स निकाल लूँगी और मैं अंगूर लेकर आई थी कल मैंने बनाया था फ्रूट चाट उसमें डालना था लेकिन हम लोग भूल गए ये फ्रिज में पड़ा हुआ था और ये फ्रिज में ही पड़ा रह गया तो मुझे ये आज नज़र आया है तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी रख लेती हूँ वॉश करके तो ये खा लिया जाएगा और अंगूर को मैं वॉश करके प्लेट में इस तरह साफ़ करके रखती हूँ तो बच्चे फिर खा लेते हैं अगर मैं वैसे ही रख देती हूँ पूरा तो फिर वो नहीं खाते तो मैंने इसलिए इसको सारा रेडी करके रखा है ताकि ये ख़त्म हो जाए खा लिया जाए और अब बारी आ गई है रोल समोसे फ़्राई करने की और रोल और समोसे रमज़ान में ऑल टाइम फेवरेट है मेरे घर में इसके बगैर मेरे घर में रफ्तारी नहीं होती है और सब चीज़ें निकाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिर्फ रोल और समोसे दे दें पानी के साथ तब भी ठीक है ये रोल और समोसे चिकन के और मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कीमे वाले समोसे जो बीफ के कीमे वाले होते हैं तो मैं हर साल बना के रखती हूँ अपने लिए वो मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा शौक से सब नहीं खाते खा लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शौक से नहीं ये वाले तो एवरी डे बनते हैं तो मैं हर साल वो अपने लिए बना के रखती हूँ और कभी कभी घर वाले भी खा लेते हैं तो मैं उसके लिए पेस्ट्री भी लेकर आई थी लेकिन इस बार मैं वो बना के फ्रीज़ नहीं कर सकी रमज़ान से पहले तो मेरे पास पेस्ट्री पड़ी हुई है तो अब मैं सोच रही थी कि मैं रमज़ान के बाद बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो जब तक उनकी बारी आई थी तो तब तक मेरी बस हो गई थी तो फिर नहीं बन सके थे तो अब इंशाल्लाह मैं रमजान के बाद बनाऊंगी काफी सारी पेस्ट्री पड़ी हुई है मेरे पास और अब मैं कर रही हूँ अपना फेवरेट काम क्योंकि रमज़ान में मुझे शरबत बनाना बहुत अच्छा लगता है और बस मैंने तीन ही गिलास बनाने थे क्योंकि मेरी बेटियाँ लेकर आई हुई थी अपना कोई ड्रिंक तो उन्होंने वो पीना था और मोगो मोगो वो बहुत शौक से पीती हैं आई थिंक वही लेकर आई हुई थी तो बस यहाँ पर मैंने पाकोला बनाया है मिल्क के साथ और रूह अफ्ज़ा बनाया है तो ये था मेरा आज का ब्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मिलेंगे इंशाल्लाह कल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़